हार। अभी हम खड़े हैं NH-122B के सड़क पर और इस सड़क का हाल देखिए क्या है। यहाँ से तकरीबन लगभग 5-6 महीना पहले इसी सड़क के लिए आंदोलन इसी कचरे में बैठ करके किया गया था, तो विधायक जी आए थे, मोहती नगर के विधायक जी आए थे और कहले 25 दिन में सड़क का निर्माण हो जाएगा। नाला का पानी सारा के रोड पे जाता है, नाला का निकासी है ही नहीं है। हम लोग प्रभावित होते हैं, बिजनेस प्रभावित होता है हम लोगों का। अब जनता परेशान है बराबर। ई रिक्शा यहाँ पे पलटेगा, देखिए कल से देखिए कितना गिनती करके हम बता देंगे कितना पलट रहा है। हम मरार के विचार की पानी हल्का चलबे ना करता। हम मरार के विचार नेता के वोट देखिए ना, वोट केकरा देलिए? नेता वोट लेबे करी है, गरीब के देखेला कुछ ना रोड माथी देखता है। विधायक जी से कहलिए ने को दा, विधायक जी के देखलिए यहां ई के तब वोट देखा जरूरी खत्म हो गेला। खत्म हो गेला मुंह देखलिए विधायक जी के ना? देखलिए से देखलिए ना मुंह, अगर विधायक को ना को के देखला कि ना मुंह देखा देखा का चल चल। देखिए यहाँ से मुश्किल से लगभग 200-300 मीटर की दूरी पर यहाँ पर विधायक जी का आवास है और 2-3 दिन पहले नित्यानंद राय जी भी आए थे, दोनों आए थे, लेकिन यह सड़क वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। इसका कारण है डर लगता है कब टेम्पू पलट जाएगा। सवारी भी तो बैठा ली है, जान गए आपकी रास्ता खराब है, बड़ा दुर्घटना होता है। दुर्घटना तो होता है लेकिन क्या करें, कमाना तो मजबूरी है ना, बाहर जाते बाहर से भागना पड़ता है, क्या करेंगे। बाहर से भागना पड़ता है मतलब कमाई नहीं है बाहर में। अच्छा कमाई यहाँ पर आप लोग यही के है ना? जी जी टेरी बाजार घर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन, आप देख रहे वंदे बिहार। अभी हम खड़े हैं NH-122B के सड़क पर और इस सड़क का हाल देखिए क्या है। यहां से तकरीबन लगभग 5-6 महीना पहले इसी सड़क के लिए आंदोलन इसी कचरे में बैठ करके किया गया था, तो विधायक जी आए थे, मोहती नगर के विधायक जी आए थे और कहले 25 दिन में सड़क का निर्माण हो जाएगा। लेकिन तकरीबन अगर 25 दिन को अगर मल्टीप्लाई किया जाए, मल्टीप्लाई अगर 10 से के तो 250 दिन तो नहीं हुए लेकिन 150 दिन तकरीबन हो चुके हैं। 150 दिन के बावजूद वही स्थिति फिर से और यहाँ पर माननीय नित्यानंद राय जी भी 2-3 दिन पहले आए थे सिवरा, लेकिन इस रास्ते पर ध्यान नहीं देने आए थे। उनको पता ही नहीं है कि ये सड़क है भी या नहीं, सिर्फ बजट में दिखा दिया कि 300 समथिंग करोड़ रुपए इस सड़क के लिए दिया गया, लेकिन कुछ नहीं। देखिए यहाँ पर गाड़ी वाले कुछ रुक गए हैं, इनसे हम कुछ जानकारी लेते। क्या बात है भैया जी, क्यों आप रुक गए? हमने आपको देखा सड़क पर जो है आप अपना न्यूज बना रहे थे, तो हमने के सामने यहाँ जो सड़क जो है बहुत ही दयनीय स्थिति सड़क की है, राजा चौक से लेकर मोहनार तक। आपका घर कहाँ हुआ? यही घर है बाजार में ही, मोदी से कितना दिन पहले इसी सड़क के लिए आंदोलन हुआ था? 10 साल से ये रोड और जड़ से बदतर होते जा रहा है, बदतर होते जा रहा है एकदम। लेकिन लोग अपने हिसाब गाड़ी चलाते हैं, मतलब सड़क नहीं रहने के कारण नाली टूटा है, इधर टूटा हुआ है, सब टूटा रहने के कारण जो है गिरते हैं लोग। चलिए गिरते हैं लोग यहाँ पर, क्या कहेंगे भैया इस सड़क का? 5-6 महीना पहले यही हाल था और फिर से यही नौबत आ गई सड़क के लिए, क्या कहेंगे? यहाँ का आदमी सब नहीं समझ रहा है इसको, क्या किया जाएगा। यहाँ का नेता सब देखिए रहे हैं, सब समाज भी देख रहा है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मार्केट में आदमी पर डे चलता है, गिरता है, मरता है, किसी को कोई मतलब नहीं है। देखिए ये गिरता पड़ता है सड़क, इधर दिखाइए, यह सड़क NH-122B है, यह सड़क जो है। जी सर, खराब हो गया ये। फिर वह हम नहीं तो ठीक था, 7 दिन पहले। 7 दिन पहले ठीक था, 10 तक ठीक था। अच्छा, उसके बाद होली बाद खराब हुआ होगा। खराब होने का क्या कारण हो सकता है? नाला का पानी। इसका कौन इलाज करेगा? फिर सरकार करेगा। देखिए हम उस पानी में, नाला का पानी है, अब यह जमा होगा, अभी निकलेगा कैसे, इसका सवाल है। क्योंकि देखिए नित्यानंद राय जी आते हैं लेकिन आंख मूंद कर इस रास्ते से चले जाते हैं, और विधायक जी का आवास भी है यहीं पर बगल में ही है, और खास कर देखिए ये दुकानदार लोग हैं। अगर यह पानी जमेगा तो यह पानी देखिए और भयावह स्थिति होगा। यहाँ पर जो दुकानदार है उनसे बात कर लेते हैं। सर क्या कहेंगे, पानी लगातार इस जगह जम रहा है, इसके लिए आंदोलन भी हुआ लेकिन यहाँ के जो नेता है वो सुन नहीं रहे। इससे पहले भी इंटरव्यू आप करके गए थे। जी जी, वही हाल है जो पहले था, वही हाल अभी भी है। नेता सुनने वाला है ना, अधिकारी सुनने वाला है,
नाला का पानी सारा आके रोड पे जाता है, नाला का निकासी है ही नहीं है। हम लोग प्रभावित होते हैं, बिजनेस प्रभावित होता है हम लोगों का। अब जनता परेशान है बराबर। ई रिक्शा यहाँ पे पलटे का देखिए, कल से देखिए कितना गिनती करके हम बता देंगे कितना पलट रहा है डेली। कभी किसी का पैर टूट जाता है, कभी किसी का हाथ टूट जाता है, ये तो होता है। यहाँ पे दो तीन दिन पहले भी यहाँ पे गिरा है, दो तीन दिन पहले गिरा है। एक मिनट, चलिए महिला लोग है, कहाँ जाते चाची पानी में हेल के जा छियै? कहाँ घर होले? बाजार में है। हम मरार के विचार की पानी हेल का चलबे ना करता। हम मरार के विचार, नेता के वोट दे छियै ना, वोट केकरा देलिए? नेता वोट लेबे करी है, गरीब के देखेला कुछो ना है। आ रोड पाती देखता विधायक जी से कहलिए होने को दा, विधायक जी के देख लिए यहां के सब वोट लेकर जरूरी खत्म हो गेला, खत्म हो गेला। मुंह देख लिए विधायक जी के? ना देख लिए से देख लिए ना मुंह, अगर विधायक को ना करके देखला कि ना मुंह देखा देखा का चल चल। देखिए यहाँ से मुश्किल से लगभग 200-300 मीटर की दूरी पर यहाँ पर विधायक जी का आवास है, और 2-3 दिन पहले नित्यानंद राय जी भी आए थे, दोनों आए थे। लेकिन यह सड़क वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। इसका कारण है कि यहाँ पर जो नेता बनते हैं वह सब के सब बारी होते हैं, इसलिए यह सड़क का हाल ऐसा ही हो। मैं ये बात नहीं कह रहा कि बाहरी होते, बाहरी हैं भी तो काम क्यों नहीं करते हैं। यहाँ पर जो युवा है बताइएगा क्या कहेंगे भैया जी सड़क के लिए? ये रोड एक साल से खराब, और यहाँ ये पटना का मुख्य रोड होने के कारण यहाँ दुर्घटना होता है, और कितने विधायक आते हैं अपना काम निकल के चले जाते हैं, और रोड का स्थिति एकदम खराब है। पिछली बार जब आंदोलन हुआ तो विधायक जी आकर कहते 25 दिन में बन जाएगा। कभी नहीं बनेगा ये रोड, कभी मतलब इतना खराब है कि कब क्या हो जाएगा किसी को पता नहीं। और जितने भी अधिकारी आते हैं सब आके मतलब वादा करके चले जाते हैं। ये रोड को मतलब ये रोड हाजीपुर बछवाड़ा का मुख्य रोड है और इसको बनना जरूरी है। हाजीपुर बछवाड़ा का यह मुख्य रोड है और इसको बनना जरूरी है। देखिए बच्चे इसी रास्ते से पढ़ाई करने के लिए भी जाते हैं, और यह दुकान भी है इधर, देखिए खाने पीने की दुकान है इधर, होटल है, वही स्थिति बना हुआ है यहाँ पर। लेकिन गाड़ी इसी रास्ते से आएंगे जाएंगे, देखिए बच्चे पढ़ने जाते हैं इसी रास्ते से, लेकिन सरकार की आंख नहीं खुलती है। पीछे देखिए गाड़ी आ रही है, क्या पता अभी खास कर देखिए जो ऑटो रिक्शा आती है, ई रिक्शा जो आता है उसके साथ लगातार दुर्घटना हो जाती है। यहाँ पर हम ई रिक्शा वाले से ही पूछते हैं कि थोड़ा संभल के जाइएगा भैया। मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद। डर लगता है कब टेम्पो पलट जाएगा। सवारी भी तो बैठा ली है, जान गए आपकी रास्ता खराब है, बड़ा दुर्घटना होता है। दुर्घटना तो होता है लेकिन क्या करें, कमाना तो मजबूरी है ना, बाहर जाते बाहर से भागना पड़ता है, क्या करेंगे। बाहर से भागना पड़ता है मतलब कमाई नहीं है बाहर में। अच्छा कमाई, यहाँ पर आप लोग यही के है ना? जी जी, टेढ़ी बाजार घर हुआ, टेढ़ी बाजार घर हुआ। और चलिए देखिए यहाँ पर कुछ डर से महिलाएं उतर रही हैं कि देखिए, और पीछे गाड़ी है लगा हुआ। यहाँ पर हम लगातार यह खबर दिखा रहे हैं, और लगातार अगर जब तक ये नहीं होगा सही, हम लगातार यह खबर दिखाते रहेंगे। आप देख रहे हैं वंदे बिहार, अगर इस वीडियो को फेसबुक यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि कम से कम आँख तो खुले। ये जो आँख मूंद करके यहाँ के नेता सोए हुए हैं, कम से कम आँख तो खुले। धन्यवाद।